जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। तो आज हम लोग करेंगे कक्षा 8वीं सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पाठ्यपुस्तक में अध्याय 7 के प्रश्न उत्तर। अध्याय 7 का नाम है सामाजिक समस्याएं। प्रारंभ करते हैं, आपको पेन और कॉपी लेके बैठना है और आराम से आपको नोट करना है। पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, मानव एक रिक्त स्थान प्राणी है। तो मानव एक सामाजिक प्राणी है, मानव समाज में रहता है और मानव एक सामाजिक प्राणी है। दूसरा प्रश्न है, व्यक्ति और समाज का संबंध है। तो व्यक्ति और समाज का अन्योन्याश्रय श्रम है, ठीक है। यहाँ पे आपको भरना है अन्योन्याश्रय संबंध। जिस प्रकार पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर है, उसी प्रकार समाज और व्यक्ति एक दूसरे का उसी पर संबंध होता है। तीसरा है, बाल विवाह सामाजिक रिक्त स्थान है। तो यह रिक्त स्थान में हम लोग भरेंगे सामाजिक कुरीति। कुरीति क्या होता है? कुरीति उसे बोलते हैं जो रीति अच्छी ना हो, ठीक है। अगला प्रश्न है, कानूनन लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु रिक्त स्थान वर्ष है। तो हमें यहाँ रिक्त स्थान में भरना है 21 वर्ष। 21 वर्ष पहले लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष होती थी, लेकिन अब इसे संशोधित कर लड़कियों के विवाह की आयु भी 21 वर्ष कर दी गई है। तो आपको यहाँ पे भरना है 21 वर्ष। पांचवा प्रश्न है, संविधान के अनुसार रिक्त स्थान से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है। तो यहाँ हम लोग भरेंगे 14। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है, ठीक है, और यह संविधान में भी इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, नशाखोरी के दुष्प्रभाव को लिखें। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, नशा का सेवन करने वाले व्यक्ति ना केवल व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होते हैं, बल्कि इससे उसका पूरा परिवार तथा समाज प्रभावित होता है। नशे की लत ना केवल व्यक्ति को शारीरिक रूप से अपंग बना देता है, बल्कि उसकी मानसिक क्षमताओं को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। ये आपको लिख लेना है, आप लोग अच्छे से नोट कर लो। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे कहता है, मानव तस्करी के क्या क्या तरीके हैं। मानव तस्करी यानी मानव को किडनैपिंग बोल सकते हो, कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसके निम्न तरीके हैं। पहला, किसी व्यक्ति को डराकर। दूसरा, किसी व्यक्ति को धोखा देकर। तीसरा, किसी व्यक्ति को हिंसक तरीकों से। और चौथा, किसी व्यक्ति को बहला फुसला कर। और मानव तस्करी का जो मामला है वो एक दंडनीय अपराध के अंतर्गत आता है, ठीक है। आईपीसी की धारा 370 में इसका उल्लेख किया गया है कि यदि कोई इस तरह करता है तो उसे जुर्माना और आर्थिक हानि दोनों को देनी होगी, आर्थिक सहायता देनी होगी। ये आपको आईपीसी की धारा में मिलेगा। इसके बाद करते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। तीसरा है, बाल विवाह अधिनियम 2006 में क्या प्रावधान है। तो इसमें लिखेंगे, किसी भी लड़के या लड़की की शादी 21 वर्ष के पहले होना बाल विवाह कहलाता है, ठीक है। पहले 18 वर्ष होता था, लेकिन अब 21 वर्ष। तो बाल विवाह बच्चों का बचपन खत्म कर देता है। बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। बाल विवाह अधिनियम 2006 में निम्न प्रावधान है। पहला, इस अधिनियम में 21 खंड हैं। दूसरा, यदि कोई वयस्क पुरुष जिसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक है वह किसी नाबालिग लड़की से शादी करता है तो उसे 2 वर्ष के लिए कठोर कारावास या 1 लाख या दोनों का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। तीसरा लिखोगे कि इस अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है। तो ये थे प्रश्न उत्तर, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो
तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद बच्चों।